सजना जी मैनु छड़ के नी जाना कदी झूठे वादे सही दिल। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो यहाँ पे आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 करीबन में, 6 तो बजने ही वाले हैं क्योंकि यार आदि ने यहाँ पे लेट कर लिया है। और यहाँ पे आदि और मैं जा रहे हैं भाई घूमने के लिए, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम, ऐसे चल रहे हैं, टहल रहे हैं बस। संडे को ज़्यादातर हम चले जाते हैं पैदल पैदल पैदल, जहाँ तक हम पहुँच पाते हैं वहीं तक हम चले जाते हैं पैदल। आज देखते हैं आज कहाँ तक जा पाते हैं, ये तो इस साइड जाएंगे तो इस साइड में जहाँ भी मन होगा जाने का वहाँ चले जाएंगे। कचरा वाली गाड़ी भी आ चुकी है और साथ में यहाँ पे गाइजों का तो भाई सुबह होना और निकलना रोडों में तो कभी हो सकता है। और ये बस निकल चुकी है यहाँ से देहरादून के लिए भाई, जो जाती है हमेशा उत्तराखंड परिवहन निगम, और बस भी निकल चुकी है, हम भी निकल चुके हैं। तो अभी यहाँ पे यार हम इस वाले पुल पे पहुँच चुके हैं, इस वाले पुल पे आज हम नहीं जा रहे इस साइड के लिए क्योंकि प्लान में सडन चेंज आ चुका है। हम इस वाले पुल में हम नहीं जाएंगे, हम इस वाले पुल को छोड़ते हुए जाएंगे सामने की ओर। चल रहे हैं सामने, यही चले बोल। अरे वहाँ चला गया यार, वहीं चलना है। हाँ, मेरे गुजरा ब्लॉग कर ले, वहीं चलते हैं भाई। चल ब्लॉग कर कर कर, देखो कैसे करता है, आज दिखाता हूँ मैं लाइव चीज़ को कैसे करता है। कर भाई तू कर, शर्मा नहीं यार कर ले। करने देते हैं भाई इसको व्लॉग, हम चलते हैं आगे की ओर में। जिससे यहाँ पे सीआर क्या मस्त नज़ारा दिख रहा है यहाँ पे चौरा स्कूल का, ये साथ में चौरा स्कूल, वो उधर स्टेडियम और इस साइड में ये श्रीकूट, शायद यहीं तक जाएंगे हम, इसके आगे नहीं जाएंगे श्रीकूट से आगे। तो एक बार दिखाता हूँ आपको सिनेमेटिक मोड में ये शॉट। यहाँ भाई मैं थोड़ा सा और आगे आया तो यहाँ पे अलग नज़ारा हो चुका है, वहाँ पे थोड़ा अलग था, यहाँ पे थोड़ा और अलग हो चुका है। और सामने तो अब झाड़ियाँ है, वहाँ तो और ही नज़ारा बेकार हो गया। तो फिर देख लेंगे आगे कैसा नज़ारा होगा, यहाँ थोड़ा बहुत खुल चुके हैं ना, पेड़ नहीं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा साफ हो चुका है नज़ारा। तो यहाँ पे एक मस्त बात यह है, मौसम सुबह से काफ़ी ठंडा ठंडा हो रहा है, साइड से धूप नहीं आएगी आज, आएगी धूप पता नहीं यार, नहीं आएगी साइड है, नहीं आएगी, जोर से बोलो ट्रक आ रहा, नहीं आएगी, ज़्यादा चिल्ला रहा है भाई। अब जान दो सो जान दो जान दो जान दो। अब भाई यहाँ से मैं इसका एक मीम निकालूंगा बढ़िया वाला, निकाल जाए एक मीम, तेरे मीम निकाल दूंगा भाई। मेरा कहाँ से निकालेगा बता, अरे बहुत है यार, बता ना मेरा कहाँ से निकालेगा, निकल जाएंगे यार। इसके वजह से एक मौसम वाला मीम निकालूंगा। हाँ तो मैं बात कर रहा था, जहाँ पे मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है, शायद से धूप अब आएगी या तो शायद आज धूप नहीं आएगी, क्योंकि यार बादल बादल से छा रखे हैं पूरे आसमान में, और अगर धूप नहीं आई तो बढ़िया है। अभी वहाँ देखो सामने धूप आने लग गई, मैं कह रहा था धूप नहीं आएगी और धूप भी आ चुकी है सामने से। और अगर बादल रहा पूरे दिन भर, अगर मौसम खराब रहा ठंडा रहा, साइड से यार थोड़े बहुत रील्स वगैरह भी शूट कर ले, हम करनी आज वैसे रील बनाते हैं यार, आज बहुत टाइम से बनाई नहीं है ना, कमेंट आ रहे यार लाखों की संख्या में भाई रील बनाओ रील बनाओ रील बनाओ, मजाक कर लाख नहीं यार, एक कमेंट आया था कि रील बनाओ, बोल तो बनाएंगे रील आज, थोड़ा स्क्रिप्टिंग वगैरह करते हैं दिन भर में बैठ के, फिर बनाते हैं रील बस फटाफट से। अब भाई मैंने कुछ बना लिया ब्लॉग, अब तू बना भाई ठीक है, तू बोल आगे तक। अब जैसे यहाँ पे हमारी बस रेनबो पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी श्रीनगर गढ़वाल, और पहुँच चुके हैं जैसे भगवती के सामने पे, हम ये वहाँ पे भगवती स्कूल भगवती मेमोरियल पब्लिक स्कूल में तो दिख रहा है भाई यहाँ से, पर आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा छोटा सा, यहाँ पे इधर ये चिपका हुआ है ऊपर पहाड़ी पे, यही यहाँ पे भगवती स्कूल। अब यहाँ पे हम श्रीकूट पहुँच चुके हैं, पीछे भाई छूट चुका है वो क्या बोलते हैं उसको, हाईवे छूट चुका है पीछे, और यहाँ पे हम श्रीकूट की गलियों में घुस चुके हैं जैसे यहाँ पे यार, और यहाँ से भी प्लान बना हमारा नीचे पार्क में जाने का कि वहीं जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा देर बैठते हैं वहाँ से, फिर वापस घर को आ जाएंगे। यहाँ पे भाई काई का मंदिर है, पता नहीं काई का मंदिर है यहाँ पे, जो कि अभी लॉन्ग होता है। यहाँ पे भाई श्रीकूट की कुछ ऐसी पतली पतली गलियाँ, बाकी और पता नहीं श्रीकूट कितना बड़ा है वैसे, इतना ही है श्रीकूट, मैं तो इसी गली में आ रखा हूँ, यहाँ पहली बार था, पहले यहाँ नहीं आया था, पहले उधर वाली गली में आया था, इस वाली गली में शायद से पहली बार की दूसरी तीसरी बार जब भी आ रहा हूँ, बहुत पतली पतली गली आ रही है यहाँ पे। बस मेन बात मुझे अच्छी लगी, यहाँ पे एक मंदिर दोबारा से आ चुका है, एक ऊपर पे था और एक यहाँ पे आ चुका है भाई, मंदिर तो बहुत है यार यहाँ पे, ये बात सही है यहाँ पे। और यहाँ पे भाई एक स्कूल आ चुका है, कौन सा स्कूल है भाई, GM क्या है, GMPS श्रीकूट गंगा नाली, पता नहीं भाई कैसे कैसे स्कूल है यहाँ पे। और अभी भाई सुबह सुबह यहाँ पे कोई भी नहीं उठा यार, ऐसा लग रहा है यहाँ पे आके एकदम सुनसान सा, और खाली चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, बस कोई भी नहीं है यहाँ पे दिख रहा, कोई भी नहीं भाई। और सीधा अगर भाई हम सुबह जब आए ना, इतनी ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक वहाँ पे, सभी लोग उठ चुके थे,
और श्रीनगर तो यार वैसे यार श्रीनगर और श्रीकोट में बहुत अंतर है, बहुत अंतर भाई। यहाँ पे सर मैं किसी गाँव में आ रखा हूँ, इसको देखो भाई यहाँ कैसे छुप छुप क्या खा रहा है। ए बेचारा काट वाट दिया भाई, कुत्ते भी कहाँ के हैं श्रीकोट के। श्रीकोट तो भाई मुझे पसंद नहीं है भाई, श्रीकोट बेकार है यार, श्रीकोट बेकार। और यहाँ देखते हैं सामने पे ये यहाँ पे श्रीकोट का स्टेडियम, बस यहाँ पे स्टेडियम थोड़ा बढ़िया यार, ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। यहाँ पे पहले भी मैं आया था, पर पहले यहाँ पे थोड़ा अलग था स्टेडियम, अब यहाँ पता नहीं है क्या हो चुका है, इसमें बहुत काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं स्टेडियम में। पहले थोड़ा अलग था ये, शायद से अभी ये खुला नहीं है यार, हाँ बंद है अभी यहाँ पे, क्योंकि अगर खुला होता तो यहाँ पे बहुत लोग खेल रहे होते, इसलिए आजकल वहाँ चौरासाली स्टेडियम की डिमांड बढ़ी हुई है, क्योंकि यार यहाँ पे ये वाला बंद हो रखा है। आजकल जब भी खुलेगा तो फिर यहाँ पे बहुत भीड़ होने वाली है मुझे लग रहा है। और स्टेडियम तो भाई बहुत मस्त है यार, ये काफ़ी बड़ा है, बस बस नदी किनारे है, सामने पर नदी है, कभी अगर पानी आएगा तो भाई डेंजर तो है यहाँ पे। यहाँ पे हम श्रीकोट स्टेडियम में पहुँच चुके हैं, यहाँ पे जैसे ये श्रीकोट स्टेडियम नहीं, यहाँ पे भाई ये है श्रीकोट स्टेडियम, देखते हैं यहाँ पे यार, ये देखो श्रीकोट, अभी जूम कर सकता है, ये है श्रीकोट स्टेडियम ना कि श्रीकोट स्टेडियम। तो ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं भाई श्रीकोट में किसी चीज़ के बनने के बाद। वैसे यार पता नहीं क्या, पता किसी काम वाले ने खुद ही तोड़ दिया भाई ये। यहाँ पे ये है नज़ारा श्रीकोट पार्क का, अभी हमने यहाँ पे श्रीकोट स्टेडियम तो देख लिया, पर यहाँ पे श्रीकोट पार्क में देखते हैं। यहाँ पे पता श्रीकोट आर्क तो नहीं होगा श्रीकोट पार्क के बदले, क्योंकि श्रीकोट का स्टेडियम था जो वो था भाई श्रीकोट स्टेडियम। यहाँ पे होगा सेम थोड़ा से, सेम स्क्रिप्ट कॉपी कर रहा है मेरी, हाँ हाँ क्या रहा है भाई, सेम स्क्रिप्ट कॉपी कर रहा है मेरी। और ये देखो भाई कितना बड़ा पार्क है, कितना बड़ा गेट है इस पार्क का भाई, और पार्क वाकई में बड़ा यार। चलो यहाँ ये चीज़ तो बढ़िया है, जो स्टेडियम है पार्क है ये चीज़ें थोड़ी बढ़िया लगी मुझे यहाँ पे। और बाकी तो भाई यहाँ पे और कुछ चीज़ मुझे बढ़िया नहीं लगती श्रीकोट में, और एक मॉल यहाँ पे आया तो बस यही है श्रीकोट में, बाकी श्रीकोट कुछ है नहीं है। देखो झाड़ियाँ हो रही है यहाँ पे, झाड़े तो काटो सफाई तो रखो पार्क में, जब पार्क खुला हुआ है तो भाई जहाँ भी देखो मैं वहाँ गंदगी हो रही है भाई, थोड़ा साफ सफाई नहीं है इस पार्क में। और बाकी झाड़ियाँ तो यहाँ झाड़ियाँ हो रही है, बच्चे साइकिल चला रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है भाई। पर यहाँ पे एक बात ये सही है कि पार्क काफ़ी बड़ा है और उसमें बच्चे काफ़ी कम है, कम नहीं है बच्चे, मतलब जितने बच्चे यहाँ पे अभी फैले हुए उतने बच्चे श्रीनगर के एक पार्क में होते हैं शाम के टाइम पे, जितने यहाँ सुबह है। और यहाँ पर स्लाइड देखो बच्चों की कैसी है, ये ऐसी गड़बड़ गड़बड़ वाली स्लाइड, ये वाली गोल वाली घूमने वाली स्लाइड, यहाँ पे ये बता गया तो आदि कह रहे थे बता के बैठने वाले से, अबे क्या दे रहा था तो बैठने, बैठ जा भाई, मना तो नहीं कर रहा, ये देखो यार, ये देखो यार भाई, ये अपने ब्लॉग में भाई मेरा नाम फंसा रहा है कि हिमांशु बोल रहा है इसमें बैठना है यार, यहाँ इसे पता नहीं है भाई कैसे बताऊँ मैं, इसे बैठना है इसमें भाई, मैं तो नहीं बैठना भाई, जरूरी नहीं है मैं इसमें बैठूँ, बुढ़ा हो गया तू, बुढ़ा भी दूसरे का ब्लॉग बना रहे ना, वहाँ देख सामने से कैसे देख रहे बच्चे हमें क्या कर रहे हैं भाई, ब्लॉग तो बता रहे सालों। और देख सकते यहाँ पे यार सामने ठीक यहाँ पे नदी है, और देख सकते हैं सीटों के आली इतनी दबी हुई है मलबे के अंदर, उसका मतलब यहाँ पे पानी आता है, और यहाँ पे रेत देखो आ रखी है, यहाँ पे पानी आता है भाई हर टाइम। और मैं देखी एक वीडियो भाई श्रीनगर दर्शन वाले पेज में कि यहाँ पे पानी आता है, देखो भाई कैसे दबी हुई है सीट नीचे, ये अंतर है बस श्रीनगर और श्रीकोट में ना। उसका वो क्लब है, क्लब नहीं यार क्या बोलते उसको, म्यूजिक क्लास चलती है उसकी वहाँ, बस ये है वो कमरे में। तो अभी यहाँ पे यार पीछे धूप भी आ चुकी है और हम जा रहे हैं वहाँ पे इस घर की ओर पे, साइड से भाई एंगल वो क्या बोलते हैं उसको लाइटिंग खराब हो रही है, मैं अपोज में हूँ सन के, और यहाँ पे धूप आ चुकी है पीछे यार, देखो मैं कह रहा था धूप नहीं आएगी पर धूप आ चुकी है। अब मैं साइड से व्लॉग नहीं बनाऊंगा, मैं अब चुप रह रहा हूँ भाई पूरा घर तक, इसलिए थोड़ी स्पीड बढ़ती है इसमें, यार व्लॉग बनाता रहूँगा तो फिर मैं घर टाइम पर नहीं पहुँच पाऊँगा मैं और आदि, जैसे क्या पता होगा। और यहाँ पे आदि की बारी है व्लॉग बनाने की, और यही सामने पे भाई श्रीकोट का क्या था विद्या मंदिर स्कूल, जिससे यहाँ पे सामने पे जा भाई, अभी एनसीसी की प्रैक्टिस हो रही है, एनसीसी की जो प्रैक्टिस होती है वो हो रही है, और आदि भी एनसीसी में, तो भाई इसकी प्रैक्टिस नहीं हो रही आज, तेरी प्रैक्टिस और किसकी, मेरी नहीं हो रही यार, हो रही नहीं है भाई, होती है इसके पर ये जाता नहीं है भाई, बंक मारता है रोज रोज, मारो बंक नहीं मारता, मैं मजा कर रहा है, बंक नहीं मारता इसकी, चलती है पर जब चलती है फिर ये जाता है, और जब नहीं चलती है तो नहीं जाता है, नहीं जाता भाई, चल रही है अभी तक यार, पता नहीं कहाँ उठी लोग, नहीं दिखाऊंगा यार, वहाँ सोचेंगे भाई क्यों दिखा रहा कैमरा, तो वहाँ नहीं दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे ये है भाई ये स्कूल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, देखा सही कहा था मैंने बेवकूफ, विद्या मंदिर वाले मंदिर पहले शिशु है, देख तो वही तो सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर है कि तो भाई।
तो अभी यहाँ पे कह रहा भाई धूप बहुत भयंकर आ चुकी है। और तेरा पता एक व्लॉग मैंने पहले कर देखा, उसमें तू क्या कर रहा है? जो जहाँ मैंने ऑन ट्रक, उसको ऑन ट्रक ऑन ट्रक उसे देख अभी ऑन ट्रक जिसमें भाई पता क्या बोल रहा है वो वाली वीडियो जन्माष्टमी वाली सब देख रहे थे हम घर में बैठ के, सारे लोग देख रहे थे तेरा व्लॉग। अच्छा अब क्या पूतना का वाद ऊपर लिखा पूतना था पहले उसने पढ़ा बोले पूतना का बाद नीचे आके पूतना नहीं भाई भूतना का बाद बेटा चलो तब आप बोल तो अभी यहाँ यार वापिस गाना गा रहा भाई नूर नूर कहता हूँ बोल। तो अभी यहाँ पे यार वापिस पहुँच चुके हैं पतली पतली बरीक बरीक गलियों में श्रीकोट की। और हाईवे तो यार यहाँ बहुत ऊपर यार पता नहीं ऐसी गलियाँ क्या यहाँ भाई ऊपर नीचे भाई इन सारे कॉफ़ी के पैकेट पड़े हैं छोटे छोटे एक एक रुपए वाले। यहाँ पे स्टेडियम में धूप आ चुकी है और यहाँ का नज़ारा तो बहुत मस्त है यार सेट सा नज़ारा है। अब यार चलते हैं वापिस से घर में थक लग चुकी है यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम पता नहीं ऐसे आए पैदल पैदल वापस जा रहे हैं आज स्टेडियम नहीं गए हम 14 साले में गलियाँ तो भाई यहाँ पे यार पूरी एकदम बारीक बारीक सी गलियाँ ये देखो भाई यहाँ देखो ये देखो 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 इन गलियों की हाल देखो सामने से कोई आएगा तो बक करके जब अभी तो कह रखे पैदल हो गाड़ियों में दिक्कत होगी। ये देखो यहाँ भाई श्रीकोट के हाल यहाँ से निकल भी लोग समझे हमने फोड़ा कहीं है यहाँ से निकलते हैं लोग समझेंगे हमने किया। तो अभी यहाँ पे आप पहुँच चुके तो अभी यहाँ पे हाईवे में पहुँच चुके हैं ये फाइनली यार वहाँ से उलझन से बाहर निकल चुके हैं गली 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 से बाहर निकल चुके हैं। अभी वाला हाईवे दिख रहा है अब से दिखेगा देखो आओ सिंगर वाला हाईवे ठीक है